हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग एक क्रिप्टो करेंसी के ऊपर नॉलेज लेते हैं, इसके ऊपर जानकारी लेते हैं, इसका फ्यूचर कैसे है एंड इसमें अगर हम लोग पार्टिसिपेट करें तो कैसे बेनिफिट कमा सकते हैं। तो उस क्रिप्टो करेंसी का नाम है ब्लॉकोरा एंड शॉर्ट फॉर्म है टीबैक, TBSC, टोकन ब्लॉकोरा कॉइन। तो अब इसका आगे टोकन क्यों है एंड कॉइन पीछे क्यों है, इसके विषय में भी जानकारी लेंगे। तो ये जो ब्लॉकोरा है ये क्रिप्टो करेंसी है एंड इसका खुद का ब्लॉकचेन है। एंड आप सभी लोगों को पता है जिसका भी खुद का ब्लॉकचेन होता है वो होता है ओरिजिनल कॉइन एंड बाकी सब होता है टोकन। तो अभी ये टोकन क्यों है? क्योंकि ये अभी दूसरे का ब्लॉकचेन में चल रहा है। ये इथेरियम का ब्लॉकचेन में है, मेटिक का ब्लॉकचेन में है एंड बाइनांस का ब्लॉकचेन में है। एंड आपका इसका जो खुद का ब्लॉकचेन है वो अभी टेस्टनेट पे है, यानी ब्लॉकचेन का दो फेज में लॉन्च होता है। पहला होता है टेस्टनेट, जहां पे टेस्ट किया जाता है, यानी ब्लॉकचेन को बना के जब रखता है तो दुनिया भर का जो डेवलपर होता है उसको टेस्ट करता है, इसका फीचर देखता है, उसको टेस्टनेट कहा जाता है। एंड जब टेस्टिंग कंप्लीट हो जाता है तब इसको मेननेट पे छोड़ा जाता है एंड तब लोग इसको यूज कर सकता है, इसमें टोकन बना सकता है वगैरह वगैरह चीज बना सकता है। तो इसका जो ब्लॉकोरा का जो ब्लॉकचेन है ये मेन नेट पे आएगा नवंबर में, यानी नवंबर के बाद ये बन जाएगा ब्लॉकोरा कॉइन, अभी है टोकन। ओके, तो चलिए इसका फीचर जानते हैं। ये ब्लॉकोरा का जो ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन बहुत ही अपग्रेडेड एंड बहुत ही फास्ट टेक्नोलॉजी है इसमें। इसका जो TPS है यानी ट्रांजेक्शन पर सेकंड जो रेट है वो 5 लाख के ऊपर, यानी 1 सेकंड में वो 5 लाख के ऊपर ट्रांजेक्शन करता है। इसका जो टोटल सप्लाई है वो सिर्फ 2.5 करोड़ है एंड उसका सिर्फ 10% प्री माइनिंग हुआ है कम्युनिटी बिल्डअप के लिए एंड बाकी का जो 90% है वो आने वाला 50-100 सालों में आएगा माइनिंग के द्वारा। इसका जो माइनिंग प्रोसेस है वो है बहुत ही एडवांस प्रोसेस जिसका नाम है प्रूफ ऑफ स्टेक, यानी प्रूफ ऑफ एडवांस स्टेक। जो आपका वॉलेट पे कॉइन रहेगा एंड बाकी कॉइन माइनिंग होके आपको मिलेगा। तीसरा बात क्या है, इसका जो ब्लॉकचेन है इसका फीचर्स बहुत जबरदस्त है। इस ब्लॉकचेन में आप कस्टोडियन टोकन, प्रॉपर्टी टोकन, सिक्योरिटी टोकन, स्वैपिंग एक्सचेंज, सेंट्रलाइज एक्सचेंज, बहुत कुछ बना सकता है। शेयर मार्केट बना सकते हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं एंड इसका जो फीस रहेगा, हर ब्लॉकचेन में ये देखा जाता है इसका फीस कितना रहेगा, तो इस ब्लॉक का जो फीस रहेगा बहुत ही कम रहेगा। तो इसके कारण क्या होगा, इसका जो आगे का फ्यूचर है बहुत ही जबरदस्त होगा। तो अभी बात ये आता है कि इसको कैसे खरीदे हम लोग। तो ब्लॉक ओरा का जो डेवलपर है एक बहुत ही अच्छा काम किया है, ये है कि इस कॉइन को इन लोगों ने डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में नहीं छोड़ा है, ये अभी सॉरी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में नहीं छोड़ा है, ये अभी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे एंड स्वैपिंग एक्सचेंज पे। तो आप लोग जानते हैं आज के समय में क्रिप्टो मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है वो है स्वैपिंग एक्सचेंज, जहां पे 100% ट्रांसपेरेंट रहता है, कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है वहां। तो इसलिए वो ज्यादा फेमस है आज के समय। तो आज से करीब करीब 13-14 महीना पहले ब्लॉकोरा का कोर टीम ने ब्लॉकोरा को लेके पेनकेक स्वाप, एक स्वापिंग एक्सचेंज वहां पे लेके रखा है 20 लाख टोकन और उसका पीछे 20 लाख डॉलर का लिक्विडिटी रखा था एंड आज वो बढ़ते 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 एक टोकन के पीछे लिक्विडिटी हो चुका है 20 डॉलर के आसपास, यानी अभी एक टोकन का कीमत 20 डॉलर के आसपास है। तो अभी इसको कैसे खरीदें, इसको कैसे रख के फ्यूचर में इसका बेनिफिट उठाया जाए वो मैं आप लोगों को बताता हूं। इसको खरीदने के लिए आप लोगों को सबसे पहले कोई एक सेंट्रलाइज या फिर इंडियन एक्सचेंज में आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा, वहां पे KYC कंप्लीट करना होगा, वहां पे आपको फंड डिपॉजिट करना होगा एंड उस फंड को ट्रांसफर करना होगा आपका डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे, जैसे हो गया मेटामास्क, जैसे हो गया ट्रस्ट वॉलेट, सिपा, ये सब क्या है, ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट होता है। उसका जो KYC है वो KYC किसी को देना नहीं होता है क्योंकि उसका कंट्रोल आपके पास रहता है,
कोई भी उसको कंट्रोल नहीं करता है, ये कंट्रोल आपके पास रहता है। तो वहां पे आपको आपका फंड ट्रांसफर करना होगा, वहां पे आप यूएसडीटी ट्रांसफर कर सकते हैं, मेटिक ट्रांसफर कर सकते हैं, एंड बीएनबी ट्रांसफर कर सकते हैं, इथेरियम ट्रांसफर कर सकते हैं, एंड उसी पेयर से आप उसको खरीद सकते हैं। तो कैसे खरीदा जा सकता है एंड खरीदने के बाद इसको क्या करना है, मैं सब कुछ आप लोगों को बताता हूँ। क्योंकि देखिए, जब भी आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं तो आपके सामने एक रिस्क रहता है। रिस्क क्या है कि मैंने अभी क्रिप्टो करेंसी को खरीदा एक्स वाई जेड को, अब ये $20 है, जैसे ही मैंने खरीदा ये एक महीने में आ गया $12, तो मेरा तो लॉस हो गया ना। तो उस लॉस से कैसे बचा जाए, उस लॉस से बचने के लिए जो क्रिप्टो का एक्सपर्ट है एक बहुत ही अच्छा तरीका ढूंढता है, वो है स्टेकिंग। अगर आप स्टेकिंग में लगा देंगे तो आपको वहां पे लॉस का जो एक गुंजाइश होता है ना वो बहुत ही कम हो जाता है। तो इस ब्लॉकोरा को कैसे स्टेकिंग में लगा के आप अलग बेनिफिट कमा सकते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट कमा सकते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूं। चलिए तो चलिए कैसे आप लोग आप तो चलिए कैसे आप अपना वॉलेट पे, क्रिप्टो वॉलेट पे फंड को ऐड करेंगे यानी डिपॉजिट करेंगे वो दिखाता हूँ। तो इससे पहले आप कोई भी एक इंडियन एक्सचेंज पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करिए, उसके बाद इसको KYC भी कंप्लीट करिए। तो आप वाजिरेक्स यूज़ कर सकते हैं या फिर जेप पे वगैरह वगैरह, जो भी एप्लीकेशन आपको ईजी लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इधर बाइनांस यूज़ करके दिखाता हूँ, क्योंकि अभी P2P के द्वारा बहुत इजी तरीके से आप अपना डॉलर के द्वारा फंड को ऐड कर सकते हैं। P2P मतलब पेयर टू पेयर। तो देखिए, जैसे मैं बाइनांस ओपन किया तो वहाँ पे एक ऑप्शन आया P2P ट्रेडिंग, तो इस पर हम लोगों को क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को डॉलर का रेट दिखा रहा है 84.79 उसके आसपास है, लेकिन वहाँ पे 10,000 क्वांटिटी है तो मुझे इतना ख़रीदना नहीं है। बस आप लोगों को दिखाने के लिए मैं एक छोटा सा ट्रांजेक्शन करता हूँ, तो चलिए देख लेता हूँ कहाँ पे छोटा मिलेगा। तो इधर से सबसे बहुत बड़ा बड़ा है, इधर 4,000 है, 134 है, तो मैं देखता हूँ इससे छोटा अगर मिलेगा तो वो मैं ख़रीद के आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे आप लोग अपना फंड डिपॉजिट कर सकते हैं क्रिप्टो वॉलेट में। तो सब ज़्यादा ज़्यादा है, इधर 82 है, 92 है, 72 है, तो मुझे कम लेना है, मैक्सिमम जितना कम होगा मुझे उतना ही आसानी होगा क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इधर एक 18.48 USDT है एंड उसमें 85 रुपया मुझे देना पड़ेगा एक USDT का। तो चलिए मैं वो ही करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो जैसे ही बाई पे क्लिक करूँगा मैं तो ये मुझे अभी इंटरफेस दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे ऑल पे क्लिक करना है, देखिए लिखा हुआ है एंटर अमाउंट के साथ ऑल। तो जैसे ही ऑल पे क्लिक करेंगे ये रुपया मुझे देना है और मुझे ये डॉलर मिलेगा। तो बाय विथ ज़ीरो फी पे अभी क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करेंगे अभी आपके सामने ये इंटरफेस आएगा और देखिए अभी यहाँ पे आपका चार्ट बॉक्स भी ओपन है, चाहे तो आप चार्ट कर सकते हैं जिसके पास डॉलर है उस आदमी से, तो आप लोग बोल सकते हैं, चाहे तो उनको चार्ट के द्वारा बातचीत करके आप डॉलर के बारे में पूछताछ कर सकते हैं। एंड आप चाहे तो यहाँ पे नीचे देखिए ऑप्शन है एक कैंसिल का, एक मेक पेमेंट का, तो आप पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने किया पेमेंट के ऑप्शन में क्लिक, तो अभी मुझे ये पेमेंट मेथड एक सिलेक्ट करना होगा, तो मैं UPI सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी तो मुझे अभी इस UPI एड्रेस पे ये रुपया भेजना है, ठीक है। तो चलिए वो कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये UPI एड्रेस मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी करने के बाद आप लोग चले जाइए अपना कोई भी ऐप पे, चाहे गूगल पे फ़ोन पे पे, जहाँ पे भी जाना है आप लोग जाइए। तो जाके UPI के द्वारा या फिर अगर बैंक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जो भी आपने सिलेक्ट किए हैं बाहर से, आप ये पैसा उनको भेज दीजिए। तो उसके बाद ये अमाउंट भी आप लोगों को कॉपी करके ही बिठाना है।
आप लोग एक बार नाम चेक कर सकते हैं, मोहम्मद फैसल है इसका नाम। तो उसके बाद ये जो देखिए कॉपी का ये जो रेट है, उस रेट के सामने कॉपी का ऑप्शन है अमाउंट के सामने, उस अमाउंट को क्लिक करके ही आपको देना है। जितना अमाउंट दिया हुआ है उतना ही देना है, ठीक है, उससे कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं। जितना आपको वहाँ पे पॉइंट में भी पैसा है वो भी देना है, ठीक है। और इस जो ऐड नोट है, जब हम लोग पैसा ट्रांसफ़र करते हैं वहाँ पे ऐड नोट पे कुछ लिखना नहीं है, क्रिप्टो डॉलर वगैरह वगैरह कुछ नहीं लिखना है। तो आप वो देख के अपना ट्रांजेक्शन कंप्लीट करिए। तो जब आप अपना पैसा आप अपना पेमेंट कंप्लीट करने के बाद फिर से यहाँ पे आना है, एंड आने के बाद आप लोगों का जो मोबाइल स्क्रीन है उस स्क्रीन का देखिए एकदम नीचे एक साइड में लिखा हुआ है हेल्प, एक साइड में लिखा हुआ है ट्रांसफ़र एंड नोटिफाई सेलर। अगर आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होता है तो आपको हेल्प में क्लिक करना होगा, एंड क्लिक करने के बाद इस ऑर्डर को कैंसिल करना होगा, एंड कैंसिल का जो रीज़न होगा एक रीज़न को चूज़ करना होगा, ओके। एंड अगर आपका पेमेंट कंप्लीट हो चुका है तो आपको सिलेक्ट करना होगा यह ट्रांसफर्ड एंड नोटिफाई सेलर। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद देखिए मेरा ऊपर टाइम बना हुआ है 8 मिनट 44 सेकंड अभी बाकी है, तो उस समय के अंदर अंदर मुझे ट्रांसफ़र करना था, मैं कर दिया। और अभी ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा 9 मिनट के अंदर अंदर। तो अभी मुझे यहाँ पे वेट करना है, ओके। अगर मेरा ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होता है, वो अगर मुझे डॉलर नहीं देता है, ये जो घड़ी चल रहा है उस घड़ी बंद होने के पहले पहले, तो आप यहाँ पे अपील कर सकते हैं एंड बाइनेंस को आपका जो भी प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं, अगर कभी ऐसा होता है तो। नहीं तो आपका क्रिप्टो आपका वॉलेट में बहुत जल्दी जल्द आ जाएगा, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे वेट करेंगे इधर कंप्लीट होगा, इधर आपका कन्फर्मेशन का भी कोड आएगा। तो चलिए हम लोग इसके लिए वेट करते हैं थोड़ा टाइम। तो चलिए अभी देख लेता हूँ हम लोगों का वॉलेट में वो डॉलर आ चुका है, क्योंकि मैंने पेमेंट कर दिया है एंड ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग जाके जो फिल्टर है वो फिल्टर को भी आप लोग एडिट कर सकते हैं, वहाँ पे कितना अमाउंट का डॉलर चाहिए वो भी आप लोग चाहे तो एडिट करके लिख सकते हैं, उसके बराबर आप लोग अपना जितना भी डॉलर चाहिए वो उठा सकते हैं। एंड दूसरा बात क्या है, आप लोग जो चार्ट बॉक्स है, पहले आप लोग पेमेंट करने से पहले, क्योंकि आप नए हैं तो पेमेंट करने से पहले चार्ट में एक बार आप हाय हेलो या फिर थोड़ा सा बातचीत करके ही उसके बाद पेमेंट करें तो अच्छा होगा, ताकि वो अगर ऑनलाइन रहेगा तो तुरंत आप लोगों का क्रिप्टो रिलीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मैंने वो ट्रांजैक्शन नहीं किया था, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन में थोड़ा दिक्कत हुआ था, तो मैंने नया एक ट्रांजैक्शन किया था जहाँ पे 8.25 डॉलर था। तो देखिए मेरा 8.25 डॉलर इधर आ गया है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये डॉलर को आप लोग कैसे आप लोगों का डिसेंट्रलाइज वॉलेट में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो चलिए उसको देख लेता हूँ। तो इसको करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा मेरा एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे। चलिए मैं मेरा सेफपाल को ओपन कर लेता हूँ, या फिर ट्रस्ट वॉलेट को, या फिर मेटामास्क को, किसी को भी कर सकते हैं। तो अभी देखिए डिसेंट्रलाइज वॉलेट में आपको ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा नेटवर्क, यानी किस ब्लॉकचेन में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं इस USDT को। तो मैं इधर बीप ट्वेंटी का नेटवर्क यूज़ करूँगा, तो मैं इसका रिसीव एड्रेस ले लेता हूँ। तो देखिए ये जो मेरा USDT है, इसका साथ में लिखा हुआ है BEP20, यानी बाइनांस 20 ब्लॉकचेन में मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगा। ये है मेरा रिसीव, ये मैंने रिसीव एड्रेस कॉपी किया, और अभी मैं चला जाता हूँ बाइनांस पे। बाइनांस पे जाने के बाद USDT पे क्लिक किया, USDT पे क्लिक करने के बाद एक मिनट, चलिए विड्रॉल में दबाता हूँ। ये मेरा USDT सेंड वी आर क्रिप्टो नेटवर्क क्लिक करना है, इसमें जो एड्रेस कॉपी किया था वो पेस्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे नेटवर्क पे मुझे सिलेक्ट करना होगा BEP20, यानी बाइनांस का 20। तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है मिनिमम आपको मैक्सिमम आपको 10 USDT होना चाहिए, लेकिन मेरा 8 है तो मैं इसमें ट्रांजैक्शन नहीं कर पाऊँगा।
आप लोगों को मैं फुल ट्रांजेक्शन दिखाने के लिए और थोड़ा USDT इधर ऐड किए हैं, एंड अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कैसे आप इसको ट्रांसफ़र करें। तो चलिए हम इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग दबा देते हैं सेंड वीआ क्रिप्टो नेटवर्क, इधर हम लोग एड्रेस पेस्ट कर देते हैं, नेटवर्क पे हम लोगों को आप जिस नेटवर्क पे भेजना चाहते हैं उस नेटवर्क को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारा नेटवर्क है और ये आप लोगों को देख के करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे आप लोगों ने गलत नेटवर्क चूज़ करते हैं तो आपका जो फंड है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी बिप 20 यानी बाइनांस का 20 ब्लॉकचेन में इसको छोड़ा हूँ, बाइनांस का स्मार्ट चेन में, तो मैंने वो सिलेक्ट कर दिया। तो अभी जो अमाउंट है वहाँ मैं मैक्सिमम कर देता हूँ, यानी मेरा जितना भी डॉलर है वो चला जाएगा इधर से। उसके बाद विड्रॉल पे क्लिक करता हूँ, एंड जो फीस है वहाँ फीस भी देखते हैं आप लोग, वो फीस भी लगेगा। इसके बाद यहाँ पे जो कंफर्म का ऑप्शन है वहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। वो क्लिक करने के बाद हमारा पास जो इंटरफेस खुलेगा वो ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लोगों को वेरिफिकेशन करवाना है अपना मोबाइल का एंड अपना ईमेल का। तो मैं यहाँ पे सेंड कोड पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद पहले अपना जो ईमेल पे 1228 अभी मुझे सबमिट करना है, तो ये मैं सबमिट का बटन डाल दिया। तो ये ट्रांजैक्शन अभी प्रोसेसिंग में है, 2-4 सेकंड या फिर 2-4 मिनट में हमारा जो भी फंड है वो इधर से बाइनेंस से विड्रॉ होके चला जाएगा मेरा डिसेंट्रलाइज वॉलेट। चलिए इसके लिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। चलिए ये हमारा USDT अभी कंफर्म हो चुका है, रिसीव हो चुका है मेरा ट्रस्ट वॉलेट पे, ये इसका नोटिफिकेशन है। तो चलिए अभी हम लोग अपना डिसेंट्रलाइज वॉलेट, ये हम लोग आ गया हमारा डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे। तो क्योंकि मैंने BNB को चूज़ किया है एज ए नेटवर्क, तो मुझे पैनकेक स्वैप को यूज़ करना होगा, क्योंकि हमारा पैनकेक स्वैप के साथ पेयर है अपना BNB ब्लॉकचेन में, एंड हमारा पॉलीगन के साथ पेयर है हमारा यूनिस्वैप स्वैप एक्सचेंज में, एंड कुछ दिन बाद हम लोगों को और एक स्वैप एक्सचेंज का यूज़ करने का हम लोगों को मिलेगा अपॉर्चुनिटी, वो होगा पेनारोमा स्वैप एक्सचेंज। तो हम लोग चलिए डैप को यूज़ करके चले जाते हैं पैनकेक स्वैप में। तो इधर आ गया है पैनकेक डैप में आ गया हूँ, एंड इधर है पैनकेक स्वैप, तो इसको क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद हम लोग, मैं दिखाता हूँ कैसे आप लोग ब्लॉकोरा कॉइन को इधर से परचेस कर सकते हैं। तो इधर है BNB, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ USDT में, क्योंकि मेरा बैलेंस USDT में है अभी। एंड नीचे केक के जगह पे जो पैनकेक स्वैप का क्रिप्टो करेंसी, इसके जगह पे मैं ब्लॉकोरा टिकट टोकन को लेके आता हूँ। चलिए मैं लेके आ गया, एंड मुझे अभी इधर अमाउंट डालना है, तो मैं डाल देता हूँ $10 डाल देता हूँ। $10 का मैं टीबैक टोकन इधर ले रहा हूँ, तो $10 के बदले में मुझे 1.22, सॉरी ये दूसरा कॉइन आ गया था, ये मेरा टीबैक यानी ब्लॉक वाला कॉइन है। तो $10 के बदले में मुझे 70.70 टीबैक टोकन मिल रहा है, एंड अगर मैं इसको मैक्स करूँगा तो मुझे 1.22 यानी $17.50 के बिहाफ पे मुझे 1.22 टीबैक टोकन मिलेगा। तो चलिए मैं इधर $10 कर देता हूँ, $10 का ले लेता हूँ, जो मैंने इधर $17 डाला था, तो ये मैंने डाल दिया $10। ओके, तो अभी स्वाप पे नीचे क्लिक करना है, तो मैंने स्वाप पे क्लिक किया, कन्फर्म स्वाप में मुझे देना है, एंड उसके बाद देखिए आप लोग इधर गैस फीस को चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं स्लो करूँगा तो मुझे मेरा $0.30 मुझे गैस फीस देना पड़ेगा, अगर फास्ट करूँगा तो 0.40, अगर मीडियम रखूँगा जो रिकमेंड किया है वो होगा तो 0.37। तो मैं स्लो कर देता हूँ तो मुझे कम गैस मतलब फीस देना पड़ेगा, यानी 0.30 का मतलब लगभग समझ लीजिए आपको ₹25 के आसपास गैस फीस देना पड़ेगा इसके लिए। तो कन्फर्म कर देता हूँ, एंड मुझे अभी मेरा बायोमेट्रिक देना पड़ेगा या फिर आपका पासवर्ड होगा तो पासवर्ड देना पड़ेगा। देने के बाद ये मेरा स्वैप कंप्लीट हो चुका है, यानी मेरा जो डॉलर था मैंने $10 के बदले में मैंने टीबैक टोकन खरीद लिया है। तो चलिए मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे उस टीबैक टोकन को आप
होल्ड या अपना स्टेक करें एंड स्टेकिंग बेनिफिट कमाएं। तो स्टेकिंग के लिए मुझे जाना पड़ेगा डेफी एआई का वेबसाइट में, तो चलिए बाहर चलते हैं। जाना होगा डेफी एआई वेबसाइट में जहाँ पे ऑलरेडी आपका अकाउंट बना हुआ होगा, तो वहाँ पे जाके देखते हैं। चलिए तो ये हम लोगों ने डेफी का वेबसाइट ओपन कर लिया है एंड उसमें जिस अकाउंट को यानी अकाउंट से स्टेकिंग करना है उस अकाउंट को ओपन कर लिए। तो ओपन करने के बाद सबसे पहले हम लोगों को जाना है ये जो थ्री लाइन बना हुआ का ऑप्शन है यानी मेनू ऑप्शन, उसमें क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे सब कुछ दिखाई देगा आपको, किस नाम से ये अकाउंट बना हुआ है, अकाउंट का आईडी नंबर क्या है, उसके बाद डैशबोर्ड, न्यूज़, अकाउंट सेक्शन एंड हम लोगों को जाना है माई पैकेज पे। माई पैकेज पे जाने के बाद आप लोगों को जाना होगा स्टेक पैकेज विथ डेप, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को एक बार फिर से कर लेता हूँ, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे माई पैकेज पे जाना है। जैसे ही माई पैकेज में जाएंगे तो आपको ये एक्चुअली चार ऑप्शन दिखाई देता है, ठीक है, पहले ये दिखाई नहीं दे रहा था। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेक पैकेज विथ वॉलेट, स्टेक पैकेज विथ डेप बिप 20 यानी बाइनेंस का ब्लॉकचेन से ये होगा, यानी बाइनेंस का ब्लॉकचेन में जो टोकन है उससे होगा। एंड स्टेक पैकेज विथ डेप मेटिक यानी जो मेटिक का ब्लॉकचेन में जो टीबैक टोकन है इससे ये अकाउंट स्टेकिंग में लगेगा। तो हम लोग मेटिक को चूज़ करना होगा क्योंकि अभी मेटिक का ब्लॉकचेन से ही एकमात्र आप स्टेकिंग लगा सकते। तो अभी देखिए इधर पैकेज बना हुआ है, इधर देखिए 20, 50, 100 डॉलर, 250 डॉलर बना हुआ है। ये डॉलर का मीनिंग इतना ही है कि बस एक फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए जो हम लोग स्टेकिंग करेंगे, यानी 20 डॉलर के बराबर टीबैक टोकन हम लोग स्टेकिंग करेंगे एंड जो रिवॉर्ड आएगा वो एक डॉलर के हिसाब से है हम लोगों को मिलेगा, लेकिन जब विड्रॉ करेंगे तो हम लोगों को फिर से टीबैक टोकन मिलेगा यानी जो ब्लॉकोरा का कॉइन है वो मिलेगा। तो एक चलिए आप लोगों को दिखाने के लिए एक मैं छोटा सा पैकेज एक्टिव कर लेता हूँ, 20 डॉलर का पैकेज स्टेकिंग करवा देता हूँ। एक्टिव का मतलब है स्टेकिंग करना। तो हम लोगों ने स्टेकिंग पे क्लिक कर दिए 20 डॉलर के नीचे एंड अभी हम लोगों के पास जो इंटरफेस आया है वो है ये इंटरफेस। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वार्निंग एंड प्लीज़ कंप्लीट योर ट्रांजैक्शन विद इन 5 मिनट्स, यानी 5 मिनट के अंदर अंदर ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो अभी एक ब्लॉक ओरा का कीमत दिखा रहा है 18.07 डॉलर, मुझे 20 USDT वहाँ पे देना है, यानी इस ये 1.1068 इतना बराबर टीबैक टोकन मुझे देना है इस एड्रेस पे। इस एड्रेस को हम लोग कॉपी कर लेते हैं एंड कॉपी करने के बाद चले जाते हैं हम लोगों का वॉलेट पे जहाँ से हम लोग टीबैक टोकन इस एड्रेस पे सेंड करें। तो हम लोग चले जाते हैं कोई भी एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे, जिस जो आपके पास है वो आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद ये है हमारा ब्लॉक ओरा, ब्लॉक ओरा में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सेंड में जाना है, सेंड में जाने के बाद इधर एड्रेस डालना है जो हमने कॉपी किया है। तो एक बार देख लेते हैं सिक्योरिटी के लिए, लास्ट में है 2671 इसका एंड हम लोगों ने जो एड्रेस कॉपी किए थे उसका भी लास्ट में है 2671। तो चलिए अमाउंट डाल देते हैं, अमाउंट कितना हम लोगों ने कॉपी करना था वहाँ पर अमाउंट भी दिया हुआ है, ऐसे ही कॉपी करना है, आप लोगों को बिठाना नहीं है, कॉपी करके ही बिठाना है क्योंकि कॉपी करके बिठाएंगे तो गलत होने का कोई चांसेस नहीं रहेगा। तो ये आ गया पेस्ट वाला ऑप्शन, एक मिनट, ये पेस्ट वाला ऑप्शन ये आ गया, यानी इतना मुझे पेड करना है। तो नेक्स्ट क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद मुझे मेरा फिंगरप्रिंट इधर डालना होगा यानी जो बायोमेट्रिक है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन के लिए वो ज़रूरी होता है। तो ये ट्रांसफ़र हो गया है। तो अभी मुझे यहाँ से सबसे पहले ये वॉलेट एड्रेस इधर से उठाना है, ये मैंने उठा लिया और इधर देखिए आप लोगों के पास सेंडर एड्रेस यानी जो एंटर वॉलेट एड्रेस है वो इधर एंटर करना है। तो मैंने वॉलेट एड्रेस इधर एंटर कर दिया,
एंड इधर ट्रांजैक्शन हैश मुझे एंटर करना है, तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद वो मुझे हैश एड्रेस मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं। ये जल्दी ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ये अभी पेंडिंग में है, तो अब बहुत जल्द ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी ये सक्सेस हो चुका है। तो सक्सेस होने के बाद देखिए नीचे एक ऑप्शन लिखा हुआ है व्यू ऑन ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर, उसमें क्लिक करना है एंड इसको क्रोम में ओपन कर लेना है, या फिर कोई भी एक आप ऐप में ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद देखिए लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन हैश, इसमें कॉपी करना है। कॉपी करके आपको इधर आपको उसी डेफी यूआई के वेबसाइट में जाना है एंड वेबसाइट में जाने के बाद आपको इसको पेस्ट करना है। तो चलिए हम लोग डेफी यूआई का वेबसाइट में चले जाते हैं। ये आ गया, इसको पेस्ट कर दिए। अभी नीचे देखिए कैंसिल एंड सबमिट का बटन है, तो ध्यान से इधर सबमिट का बटन ही आपको क्लिक करना है, ध्यान से करिएगा, अगर कैंसिल होगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो जैसे सबमिट बटन क्लिक किया है, देखिए सक्सेसफुल हो गया, ट्रांजैक्शन वाज सक्सेसफुल, यह ट्रांजैक्शन परचेज यूनिट इज़ 20, तो यह ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है ट्रांजैक्शन। अभी इधर आप जाके देख सकते हैं माई पैकेज में, ये आ गया मेनू वाला ऑप्शन, ये मेरा माई पैकेज, ये माई पैकेज, ये चले गए हम माई पैकेज पे एंड देखिए इधर आज 23 अगस्त 2022 से एक्टिव हो चुका है एंड ये $20 से एक्टिव हुआ है। तो ऐसे ही आप लोग अपना पैकेज को अपने ही मोबाइल से ध्यान से स्टेकिंग में लगा सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है, बस आप लोगों को एक बार अच्छे तरीके से इसको देखना चाहिए एंड जो भी स्टेप बाय स्टेप मैंने इधर आप लोगों को बताया है उसको फॉलो करके आप अपना मोबाइल में इसको स्टेकिंग में लगा सकते हैं। किसी का हेल्प भी नहीं लेना है आप लोगों को।